देखिए, जैसा कि एडीएम सर ने बताया, कलेक्टर महोदय और निगम कमिश्नर मैडम के निर्देशानुसार जो संयुक्त तो जांच दल बने हुए हैं, हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं कि लॉकडाउन में जो छूट मिली है, कलेक्टर सर का जो प्रतिबंधात्मक आदेश में छूट मिली है, केवल वो छूट प्राप्त व्यवसाय ही चलें और उसके अलावा लोग अनधिकृत रूप से अपना कोई व्यवसाय संचालित न करें जिससे अनावश्यक भीड़ हो। ये मालगंज चौराहे के पास में टोंगिया परिसर में यहाँ भीड़ दिखाई दी थी। लगातार सुबह से हम लोग करीब करीब 5-6 दुकानें अभी तक सील कर चुके हैं। देखने में ये आ रहा है कि लोग कन्फ्यूज़न बता रहे हैं कि साहब हमको जानकारी का अभाव था, इस कारण से हमने खोल ली, लेकिन जो प्रतिबंधात्मक आदेश है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि किस गतिविधि को अनुमति है और किसको अनुमति नहीं है। तो लोग जो अनधिकृत रूप से इस तरीके से अपना व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी ये जो टोंगिया परिसर में प्रजापत जी रेस्टोरेंट जैसा पूरा अपना अंदर घर से चला रहे हैं, ढेर सारी कचौरी पोहा वगैरह बना हुआ था, बाहर हम जब आके देख रहे थे तो सब्जी वाले खासकर यहाँ पे नाश्ता करने के हिसाब से भीड़ लगाए थे, तो 10-20 ठेले वो भी थे। तो इस तरीके से काफ़ी संक्रमण फैलने के चांसेस बनते हैं, ऐसी गतिविधियों को रोकना बहुत आवश्यक है, इसीलिए इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। 188 धारा जो है उसके अंतर्गत हम लोग FIR इनकी कराएंगे और अभी स्पॉट फाइन जो है वो 5,000 रुपये का इनका बनाया है। खाद्य सामग्री जो पाई गई है उसको विनष्ट कर रहे हैं और जितने भी इनके चूल्हे और गैस सिलेंडर वगैरह इसको जब्त कर रहे हैं और इसी तरीके की कार्रवाई अब लगातार हम लोग जो है वो जहाँ जहाँ इस तरीके से घरों में अन्य परिसरों में जो दुकानें और ठेले वाले बंद हो गए हैं लेकिन घरों से चला रहे हैं तो उसको जाँच करके और कार्रवाई करेंगे।